morning. Happy Friday morning. और morning मतलब अभी थोड़ा time ही हो गया है, शायद 8:39 ऐसे हुए होंगे. लेकिन आज का मौसम देखिए, बिल्कुल cloudy है, धूप बिल्कुल नहीं है और बाहर फिश वाला है. मास्क लगे बोनी पूछ रहा है, मतलब फिश चाहिए क्या. Look at Rolly. तो यहाँ पे पहले वेंडर्स नहीं आया करते थे, पर जब से कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ था ना, तब से यहाँ पे वेंडर्स का आना शुरू हो गया है. और ये मेरे फ्लावर्स, और बिल्कुल ही क्लाउडी है आज, धूप है ही नहीं. अभी मैं आई हूँ ऊपर वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के लिए, इनको लगा के फिर मैं नीचे जाऊँगी. और परी को आज सैंडविच खाना है ना, परी पनीर सैंडविच खाना है और मैगी भी खाना है. तो जाके उनका ब्रेकफास्ट बनाऊँगी. तो अभी मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट किचन में, लेकिन उससे पहले ये जो कल का ब्लॉग का मेरा जो क्लिप्स है ना, उनको मैं अभी अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र पे लगा के रखती हूँ ताकि मैं उसको एडिट कर पाऊँ, क्योंकि आजकल मैं नेक्स्ट डे एडिट करती हूँ. और उधर पॉकी है, वो नहीं आना चाहती है कैमरा के सामने, सो बेटर डू नॉट डिस्टर्ब हर प्राइवेसी. सो अभी मैं अपना पीसी ऑन करके इसको, आजकल मेरा ये प्लग पॉइंट इतना शॉर्ट करता है, तो अभी पीसी ऑन करके इस कैमरा में जितना भी क्लिप्स है उसको मैं ट्रांसफर पे लगा के रखूँगी. उसके बाद मैं जाके ब्रेकफास्ट बनाऊँगी. तो इधर मैं अपना वीडियो एडिट कर रही हूँ, ये पूरा हुआ नहीं है जो कल वाला व्लॉग है उसको. और इधर परी एज यूजुअल अपने टैब के साथ है. थोड़ी देर के बाद वो पढ़ाई करेगी, है ना परी, नहीं करेगी आज. और इधर मैं बनाने लगी हूँ लंच. यहाँ फिश फ्राई करके रखा है, इधर बैंगन मैंने भून के रखा हुआ है, पनीर बनाना है बच्चों के लिए, पनीर साग बनाऊँगी आज मैं. और रूपा मेरा थोड़ा हेल्प कर रही थी, अभी रूपा क्या करेगी, इसको साफ करेगी. रुको रुको रूपा एक सेकेंड, ए तो लो बस तुम लाओ, ट्राई लो इसलिए आने लो नहीं तो पूरी सब. तो अभी मैं बनाने लगी हूँ फिश, खाने दिया है जो, क्योंकि हस्बैंड का टिफिन देना होता है ना, तो 11 बजे से पहले हम लोग का लंच बन जाता है और उसके बाद हम लोग फ्री हो जाते हैं लंच बनाने, लंच के काम से. और आज सुबह से मुझे थोड़ा सर्दी सर्दी टाइप का लगा हुआ है, थोड़ी सी ठंड लग गई थी सुबह सुबह, तो मैं खाना बिल्कुल ही सिंपल बनाती हूँ, कुछ ज़्यादा मसाले कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है मेरे खाने में. जितना हो सके मैं उसको सिंपल लाइट ही रखती हूँ और फ्लेवरफुल. हम लोग को उस तरह का खाना पसंद है जिससे जो इंग्रेडिएंट्स के फ्लेवर्स हो ना वो बाहर आए, और ज़्यादा हम लोग मसाले यूज़ नहीं करते, मतलब उसका फ्लेवर ओवरपावर ना हो, उस चीज़ को हम ध्यान रखते हैं. तो बहुत ज़्यादा मसाला, बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट इसके वजह से हम लोग नहीं करते. तो ये आज मैंने बनाया है एक स्पेशल बैंगन आलू और मतलब बैंगन और आलू का भरता है. इसको एक्चुअली बैंगन को मैंने गैस में भून लिया था, उसके बाद उसको और आलू को थोड़ा बॉईल कर लिया था, दोनों को मैश करके उसमें थोड़ा सा प्याज मसाले वगैरह डाल के मैंने इसको अच्छे से कढ़ाई में भून लिया. और इसमें तो एक अंडा डाला है मैंने और धनिया डाला है लास्ट में. और इधर मेरा बन रहा है फिश विथ फ्लाई हाथ, और ये भी ऑलमोस्ट रेडी है. अब मैं हस्बैंड का टिफिन पैक कर दूंगी. और इधर मैंने पनीर थाव होने के लिए रखा है फ्रिज से, फ्रीज़र से निकाल के फ्रीज़र में मैं रखती हूँ पनीर को.
तो वो जब तक थाव होगा तब तक मैं अपना एडिटिंग कंप्लीट कर लूँगी और पॉकी को पढ़ाई के लिए अभी बिठाना है। उसका भी मैथ्स का क्लास था जो कि पोस्टपोन हो गया है इवनिंग के लिए, तो उसे मैं अभी पढ़ाई के लिए बिठाऊँगी और बाकी अपना काम करूँगी। तो देखिए 11:15 गए हैं, टिफ़िन रेडी है, अभी तक लेने कोई आया नहीं है, इसको यहाँ रख दिया है मैंने। और इधर पॉकी का अभी मैथ्स क्लास नहीं है ना, तो अभी उसको मैं मैथ्स पढ़ाऊँगी थोड़ा सा। पॉकी आ जाओ बेबी, कम 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 उल्लू अरवा लहसुन तो। सो गुड मॉर्निंग गाइज, आज अच्छे से गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला मैंने। व्लॉग शुरू किया तो मैं बिहाइंड द कैमरा ही थी, बिकॉज मैंने नहाया नहीं था मैं रेडी नहीं हुई थी। और कभी कभी क्या होता है ना, विदाउट रेडी हुए ना कभी कैमरा के सामने आने का मन नहीं करता है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे स्क्रीन थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। हाँ तो मैं नहा ही नहीं थी। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं सुबह उठ के सीधा दूसरे कामों पे लग गई थी और सोचा कि एक बार उन सबसे फ्री हो जाओ तो मैं नहा लूँगी। उसके बाद मैंने नहा भी लिया और उसके बाद ये देखिए ये साड़ी, एक्चुअली ये मेरी, ये मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदा था, लेकिन मेन उसका अट्रैक्शन है ये ब्लाउज़, ये वाला। इसको पहन के अभी मैंने एक रील बनाया है लाइक इंस्टाग्राम के लिए। मतलब शायद मेरा इंस्टाग्राम का लास्ट पोस्ट कब किया था मुझे याद भी नहीं है। इंस्टा में मैं इन दिनों थोड़ी पैसिव हो गई थी, तो मैंने सोचा नहीं एक रील बनाया जाए आज और थोड़ी फ़ोटो खींच लिए जाए इंस्टा में लगाने के लिए। तो इसलिए ये सब, और अभी मेरे ब्लाउज़, ये मेरा एक्चुअली खुद का स्टिच ब्लाउज़ है ना, तो उसको भी मुझे थोड़ा सा एडवर्टाइज़ करना था, तो इसलिए अभी मैंने वो रील्स बनाया बच्चों को। अभी मैं खाना दे के आई हूँ बाहर खाने के लिए, और अभी उस रील को एडिट करके मैं अपलोड कर दूँगी। उसके बाद रेडी तो मैं आजकल घर पे रहती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे रेडी रहना अच्छा लगता है, क्योंकि पहले ऑफिस जाती थी तो मैं रेडी होके ही जाती थी ना, तो रेडी रहना मुझे अच्छा लगता है। मैं दिन भर कभी भी, पूरा दिन कभी भी मैं अपने नाइट सूट में नहीं रहती हूँ। मैं जब भी नहा लेती हूँ ना उसके बाद मैं कुछ ना कुछ अच्छा पहन के रेडी हो ही जाती हूँ। और इतने सारे कपड़े हैं यार अलमारी में, कब पहनूँगी उन सबको। तो बाय द वे रेडी तो हो गई हूँ, उसके बाद खाना खा के मुझे दुकान जाना है आज, कुछ कुछ सामान लाना है। उसके बाद दुकान से आके आज मैं बुटीक के काम पे लगूंगी। और एक गुड न्यूज़ भी है मेरे बुटीक के लिए, लेकिन मैं उसको अभी नहीं रिवील करना चाहती हूँ। सॉरी गाइस फॉर कीपिंग द यू नो सस्पेंस। मैं सस्पेंस रखती नहीं हूँ इन जनरल मेरे व्लॉग्स में, बट देन इसको मैं इसलिए नहीं बताना चाहती कि अभी फिक्स नहीं हुआ है। अगर फिक्स हो जाता है ना तो मैं आपको बता दूँगी। एक्चुअली मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था ना। मैंने देखे हैं यार बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं जिसमें क्लिक बेट होता है, बिल्कुल एकदम सस्पेंस वाला थंबनेल होता है, और कीवर्ड्स में भी इस तरह से सस्पेंस भर भर के जैसे सीरियल में ड्रामा में होता है ना, उस तरह से कोई कोई रखता है, और वो वाले चैनल ग्रो भी करते हैं। बट देन मेरा ये चैनल खोलने का मोटिव एक ही था कि मैं अपने लाइफ को जैसे है बिल्कुल ट्रू हिसाब से मैं यूट्यूब पर रखूँ, ताकि कल को मेरे बच्चे जब बड़े हो तो वो देख पाए। और अगर इसमें मैं इन ब्लॉग्स में जो मेरा रियल लाइफ है उसमें मैं ड्रामा भर दूंगी तो कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस होगा ना मेरे बच्चों के लिए। और यूट्यूब में मैं जब आई ना तो मेरा मोटिव कभी भी पैसा नहीं था और अभी भी पैसे नहीं है, लाइक्स सब्सक्राइबर्स इन सब का नहीं था। मैं चाहती हूँ, मैं कभी किसी को रिक्वेस्ट भी नहीं करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं चाहती हूँ जो लोग मुझसे जुड़े वो लोग एक ही वजह से जुड़े कि उनमें, उन्हें मुझ में कुछ अच्छा लगता हो तभी जुड़े, और जितने भी व्यूवर्स हो मेरे ऑर्गेनिक हो जो मुझे देखना पसंद करते हो। तो इसलिए आई डोंट यूज़ सच काइंड ऑफ टेक्टिक्स और वट एवर कुछ भी बोला जाए, बिकॉज मैं अपने पैशन की वजह से हूँ यूट्यूब में, और मुझे व्लॉग्स बनाना अच्छा लगता है, अपनी लाइफ को एज अ स्टोरी टेलिंग बताना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हूँ। तो मैं ये सब ड्रामा आज तक आपने शायद मेरे व्लॉग्स में कभी भी नहीं देखा होगा कि कोई सस्पेंस नेक्स्ट व्लॉग के लिए मैंने रख दिया हो, जो भी है मैं बता ही देती हूँ। पर ये वाला बात एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसलिए बता दिया, बट देन मैं कल आपको श्योर बता दूंगी वो खुशखबरी क्या है। फिलहाल अभी मैं करती हूँ अपने रील की एडिटिंग, उसको अपलोड करती हूँ इंस्टा में। अगर आप लोग ने मुझे इंस्टा में फॉलो अभी तक नहीं किया है तो आप लोग ये रहा मेरा हैंडल, उसमें फॉलो कर सकते हैं। तो वही करना है अभी, उसके बाद
दिन की शुरुआत तो हो चुकी है बाय द वे, तो नेक्स्ट डे क्या करेंगे, व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं यहीं से. So without knowing, like literally I'm randomly picking things. I put everything in the car green. and what about Pari? Look red. Pari is the red girl and you are the... Except this. Yeah. Except this. Okay, enjoy, have fun. I'm going to the boutique. I took Jeb's chocolate. Jeb, I know you're watching this. I took your chocolate. दुकान से आ गए हैं हम लोग और मेरा तो कुछ सामान था नहीं, मेनली इन दोनों का ही सामान था लाने का. और अभी मैं अभी मोस्ट प्रोबेबली 3:30 बजे है और अभी मैं आ पाई हूँ अपने बुटीक. आज मतलब लेट ही हो गया है मुझे और आज मुझे एक काम है. अभी मैं बैठ के लिस्ट बनाने जा रही हूँ कि कितने सारे मेरे ऑर्डर है, कब कब मुझे देना है, क्योंकि बिल्कुल दिमाग में ही रखे हुए हो ना, तो थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है कि ऑर्डर्स मैं कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं. तो अभी मैं बैठ के उसका पूरा लिस्टिंग कर लेती हूँ कि कितने सारे ऑर्डर्स हैं, कब तक मुझे कंप्लीट करने हैं, कब तक देना है, और फर्दर अगर कोई ऑर्डर आए तो उसको मैं एक डेट दे दूँगी कि उसके बाद ही मैं डिलीवरी दे पाऊँगी, बिकॉज ऑर्डर्स बहुत बढ़े हुए हैं एंड आई नीड अ टेलर बैडली. आई जस्ट नीड अ टेलर बिकॉज अकेले मेरे लिए हैंडल करना ये मुश्किल हो रहा है. सो होपफुली आई गॉट अ टेलर वेरी सून. तो ठीक है, अभी मैं बैठ के लिस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टिचिंग के काम पे लग जाऊंगी. ये देखिए पॉकी का जैकेट, ये मैंने बनाया है एक फर मटेरियल से. मैं आपको पास से दिखाती हूँ. तो आज का मेरा ये प्रोजेक्ट ये है और इसका एक और आज मैं ड्रेस भी बना रही हूँ स्ट्रीट में. पास से ये देखिए, ये मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसके अंदर मैंने क्रेप का लाइनिंग दिया है. और पोखी कैन यू शो इट, लाइक इसको दूसरी तरह से भी पहना जा सकता है. ये like you can also wear it like at the other side. Both side, yeah. So if you want to be simple, just wear it with like, I don't know, a jumper or something. You could just like दोनों साइड से ही सीधा है, इसको आप किसी भी साइड से पहन सकते हैं. दोनों साइड से ये सीधा ही लगता है और दोनों साइड से बहुत परफेक्ट लग रहा है. आई एम सो हैप्पी विद द आउटकम. आर यू? या, एंड द बेस्ट पार्ट इज आई डोंट हैव टू पे. ओके देन, मैं को जाऊं. रूपा, चाय पिला दो. और ये परी का काम देखिए, ठंड में उसने चलाया है फैन और वो है कंबल के अंदर. परी, ऐसा क्यों है, क्यों फैन और कंबल साथ में है? क्योंकि मैं फैन बंद करती हूँ तो कंबल की जरूरत नहीं पड़ती. अब मुझे कंबल चाहिए तो फैन भी तो ऑन करना पड़ेगा. और जस्ट बिकॉज तुमको कंबल चाहिए इसलिए ना फैन ऑन किया है. क्यों? कंबल बहुत सॉफ्ट है. लॉजिक. परी इज लॉजिक. चलिए अभी जाती हूँ ऊपर. अभी मैं आपको दूसरा मटेरियल दिखाती हूँ जिससे पोखी का ड्रेस बनेगा. उसको ओके इज लाइक सो स्पेसिफिक. उसको इसी लेंथ का चाहिए ड्रेस, इसी लेंथ का स्लीव चाहिए, एंड शी इज लाइक यही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए. अब मैं उसको बोल के आई हूँ कि यू शुड बी थैंकफुल दैट योर मामा एज अ डिज़ाइनर, अदरवाइज इतने नखरे कौन टेलर सहता. तो ये है उसका कपड़ा जो मैं लाई थी उसका ड्रेस बनाने के लिए. उसको इस ड्रेस से, इस कपड़े से चाहिए स्ट्रेट ड्रेस. अभी सीधा उसी की ही कटिंग पे मैं लगती हूँ. I saw I just put on what does the fox say and these two kind of went crazy. Is there a mental hospital nearby? Go, 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 go! Okay. POV is for someone. अभी फिर से 8:30-9 बजने वाले हैं. मैं पोकी का ड्रेस बना रही थी, हो गया है. उसका फाइनल लुक आपको इंस्टा में मिल जाएगा. वो बहुत सुंदर लग रहा है, दोनों लाइक जैकेट और एंड द ड्रेस. और वो जिस तरह से मतलब उसको मतलब पुट टुगेदर करती है ना, पोकी कैन कैरी, तो वो कैरी कर सकती है वो लुक और उसमें बहुत अच्छा लग रहा है. और मैं थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा. तो अभी आज वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ. होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बाय फॉर नाउ गाइज़.